वही लोग जिन्होंने आपसे कहा कि 15 लाख रुपए आपके खातों में डालेंगे और चुनाव होते ही चुनाव खत्म होते ही उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कहा कि वो तो जुमला था, वो तो चुनाव के लिए जुमला था। तो आप अच्छी तरह से सोचिए, इन्होंने लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए, संविधान को नष्ट करने के लिए और संस्थाओं को नष्ट करने के लिए पूरी योजना बनाई है। कोई ऐसी संस्था नहीं छोड़ी उन्होंने। और संविधान और लोकतंत्र किसको मजबूत बनाता है? संविधान और लोकतंत्र आपको मजबूत बनाता है। ये आपको मजबूत करना नहीं चाहते, ये खुद मजबूत होना चाहते हैं। ये आपके हाथों में सत्ता कभी नहीं छोड़ेंगे, ये अपने हाथों में सत्ता चाहते हैं। और इसलिए चाहते हैं क्योंकि काम नहीं करते, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं कि बहुत शक्ति है इनमें, लेकिन मैं समझती हूँ कि इससे दुर्बल सरकार कभी हुई नहीं इस देश में। क्योंकि राजनीतिक शक्ति सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति होती है कि अपनी जनता तक की आवाज सुनने की शक्ति, ये सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति है। और उस आवाज से अगर अपनी आलोचना हो, उस आवाज से अगर ये कहा जाए कि तुम गलत कर रहे हो, कि तुमने मेरा विकास नहीं किया, कि तुमने मेरी सड़क नहीं बनाई, कि तुमने मुझे वेतन नहीं दिलवाया, तो वो आवाज सुनने की शक्ति हर नेता में होनी चाहिए। नहीं तो उस नेता में शक्ति नहीं है, दुर्बलता है, वो सबल नहीं है, दुर्बल है। और इस सरकार में वो हिम्मत नहीं है कि आपकी आवाज सुने। वो गांव गांव इसलिए नहीं जाते क्योंकि गांव गांव में सच्चाई सुनाई देगी, गांव गांव में सत्य दिखाई देगा, क्योंकि ये देश सत्य के आधार पर बना। जिस आंदोलन ने, जो स्वतंत्रता सेनानी यहां, जिनकी यहां समाधि है, कौन सा आंदोलन था वो? वो एक ऐसा आंदोलन था जो कभी पहले दुनिया में नहीं हुआ था। वो सत्य प्रेम और अहिंसा पर आधारित था। उसके बाद दुनिया भर के देशों ने देखा, मिसाल लिया उसका, अफ्रीका में भी उसी के मिसाल पर दूसरे देशों को भी स्वतंत्रता मिली। सत्य पर आधारित था वो आंदोलन। इस देश में सत्य छुपा नहीं सकता कोई भी, सत्य को कोई दबा नहीं सकता, सत्य को कोई खत्म नहीं कर सकता। मैंने सत्य देखा है, मैं एक हफ्ते से सिर्फ कोरा किया है मैंने, और एक हफ्ते में मैंने सत्य देखा है। मैंने सत्य उस बुनकर के घर में देखा है जिसके छप्पर में से पानी आ रहा है, जो मुझे कहता है कि 5 सालों में मैं तबाह हो गया हूँ। मैंने सत्य उस किसानों की आंखों में देखा है जिसने मुझे कहा किसानों का कोई चौकीदार नहीं होता, चौकीदार अमीर का होता है। उस किसानों की आंखों में देखा है मैंने, उस आलू के किसान की आंखों में देखा जिसने मुझे कहा कि आज मेरा बीज मेरी ऊपर से ज्यादा दामता है। तो मैंने सत्य देखा है। उस मल्ला के घर की आंखों में मैंने देखा जिसने मुझे बताया कि हमारे 10,000 हमारे परिवारों का पट्टा लिया गया है यहाँ से, हमारा बालू खंडन में अधिकार था, आज वो भी अधिकार नहीं छोड़ा। तो ये सत्य सब जगह है, कोई छुपा नहीं सकता। इनके असत्य जो से, इनके झूठे प्रचार से कुछ नहीं छिपेगा, क्योंकि ये सत्य आप जी रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि जो विकास का वचन आपको दिया था वो वचन नाकाम हुआ और ये सरकार नाकाम हुई। तो ये राजनीति जो आपको दुर्बल बनाती है, जो अपने आप को अपने हाथों में सत्ता रखती है, जो आपको सत्ता नहीं लेना चाहती, उसका क्या करना चाहिए आप बताइए? ऐसी राजनीति जो आपको नकारे, उसका क्या होना चाहिए? बताओ।
तो लोकतंत्र और संविधान जिसकी मैंने बात की वो किसके बनाए गए? आपको मजबूत करने के लिए। और सबसे बड़ा हथियार इसमें क्या है? आपका वोट है। तो जब आप वोट करने जाएंगे तो आप सोच समझ के करिए। आप एक ऐसी राजनीति को जब बढ़ावा देंगे जो सिर्फ झूठ बोलेगी, जो आपके सामने आकर नए नए प्रचार करेगी लेकिन आपका काम नहीं करेगी, तो आप नुकसान अपना कर रहे हैं। क्योंकि जब जनता के सामने नेता आए उसको थोड़ी सी घबराहट होनी चाहिए, उसको थोड़ी सी घबराहट होनी चाहिए, उसको यह एहसास होना चाहिए कि मुझे जनता ने बनाया है। अगर मैंने काम नहीं किया, अगर मैंने जनता को आगे नहीं बढ़ाया तो मेरा नुकसान होगा। लेकिन मेरी आपसे शिकायत है कि आप ये बात भूल गए हो। आपने नेताओं को बहुत बड़ा दर्जा दे दिया। आप भूल गए हो कि सत्ता आपके हाथों में है, कि जितने भी हम नेता आपके सामने खड़े हैं, जितने भी ये नेता नहीं बनते अगर आपने मजबूत नहीं बनाया होता। इसकी हिम्मत नहीं होती कि आपके सामने आके गलत गलत प्रचार करके अगर आपने मजबूती नहीं दी होती। तो आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, समय आ गया है। अपनी शक्ति को पहचानिए। आपका देश है, किसी और का नहीं है। आपका देश है, आपके खून पसीनों से बना है। किसानों ने यह देश बनाया है, जवानों ने यह देश बनाया है, आपने बनाया है। आप मन बनाइए कि उसको वोट देंगे जो आपके लिए कार्य करेगा। आप मन बनाइए कि एक ऐसी सरकार लाएंगे जो आपका विकास करेगी, एक ऐसी सरकार जिसमें आपकी सुनवाई हो, जिसमें आपकी आवाज दबाई न जाए, जिसमें कोई किसी को समय नहीं, कोई अपना धर्म समझे कि आपके घर घर में आए, आपकी समस्याओं को समझे, आपकी समस्याओं का समाधान करे। यही बातें करनी थी आपसे, यही कहना था कि एक बहुत बड़ा चुनाव है, देश को बचाने वाला चुनाव है, संविधान को बचाने वाला चुनाव है। इस पे सोच समझ के अपना वोट कीजिए। आप निर्मल जी को अच्छी तरह जानते हैं। निर्मल जी अपने नाम की तरह निर्मल स्वभाव के हैं। उन्होंने हमेशा आपके क्षेत्र के लिए काम किया है और ये उस राजनीति के प्रतीक है जो सच्ची राजनीति है। इनका धर्म आपकी सेवा है, ये भी संघर्ष करते हैं लेकिन आपके लिए संघर्ष करते हैं, अपने लिए संघर्ष नहीं करते। ये आपके लिए समर्पित है, खुद के लिए समर्पित नहीं है। तो आपके सामने जब ऐसे प्रत्याशी है और आपके सामने चुनाव आ रहा है तो मेरी पूरी आशा है कि आप इनको आगे बढ़ाएंगे, आप इनमें विश्वास रखेंगे और आपके क्षेत्र का आपका विकास होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।